दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप लोग उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो घर बैठे हुए। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे ऑनलाइन ही अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हो। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहां पे 4-डिजिट पिन जो आप लोग सेट किए होंगे या फिर आप लोग फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन कर लेने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब गाइज आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ हमें प्री अप्रूव का ऑफर दिखा रहा है तो इसको फिलहाल हम कट करते हैं। अब आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आप लोगों को टॉप लेफ्ट साइड में मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है और 3 लाइन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन खुल जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को इसके अंदर कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कार्ड्स पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लोड लेने के बाद आप लोगों का यहाँ पे जितना भी कार्ड्स है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सभी दिख जाते हैं। अब आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के सामने आप लोगों को सिंपल एरो का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का वही क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लोडिंग लेके इसके बाद ओपन हो चुका है। अब आप लोगों को क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए शो मोर ऑप्शन दिख रहा है एक, यहाँ पर क्लिक करना है। अब गाइज आप लोग यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कार्ड टाइप में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा कार्ड है बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर इसके नीचे आप लोगों को दिखा रहा है अपग्रेड का बटन। तो अपग्रेड पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है वी आर कमिंग सून, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल हमारे क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। सो जैसा कि हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हुए 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा ओल्ड हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इसीलिए कोई अभी ऑफर आया नहीं है। अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड ज़्यादा ओल्ड हो चुका होगा सो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड का ऑफर आ जाता है। सो आप लोगों को वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोगों को OTP से वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हो जाएगा। सो गाइस ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हो ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।